नमस्कार दोस्तों, खबर एक्सपोज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। खबर हम आपको बता देना चाहते हैं कि खंडवा जिले की पूर्व कालीभीत वन परिक्षेत्र में वन विभाग की गश्ती टीम ने सागौन के लट्ठे भरा वाहन जब्त किया है। इसके साथ ही 8 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। वाहन में कुल 44 नग सागौन लट्ठे भरे थे। वाहन राजसात करने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। SDO फॉरेस्ट संदीप वास्कले ने बताया कि सागौन के ये पेड़ पूर्व कालीभीत रेंज की पश्चिम बागड़ा बीट के कक्ष क्रमांक 569 से काटकर भरे गए थे। करीब 15 पेड़ काटकर उनके 44 लट्ठे बनाकर वाहन में भरे गए थे। तस्कर जंगल से निकल ही रहे थे, इसी दौरान टीम के सदस्यों ने 8 तस्करों को दबोच लिया। इनमें मयाराम पिता बलराम तथा हरि सिंह निवासी खामला किल्लोत थे। दोनों आरोपियों से पूछताछ के बाद अन्य 6 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पूर्व कालीभीत के वन परिक्षेत्र अधिकारी नानक राम कुशवाहा ने बताया कि जब्त सागौन के लट्ठे कुल 4 घन मीटर से अधिक हैं, जिनका बाजार मूल्य करीब 2.5 लाख से अधिक बताया गया है। सागौन की लकड़ी के साथ साथ आयसर ट्रक भी जब्त कर लिया गया है। गश्ती टीम में वनपाल श्याम सिंह बघेल, वन रक्षक चेतन भलावी, आशीष सुरेखिया वे खुमान सिंह शामिल थे। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। दिनांक 18 जुलाई 2024 को प्रातःकाल 5:30 बजे परिक्षेत्र पूर्व कालीभीत में गश्ती दल जो है आंवलिया से बागड़ा की तरफ जब गश्ती कर रहा था तो आंवलिया से बागड़ा जाते समय पर कक्ष क्रमांक 569 जो कि रास्ते में पड़ता है वहाँ पर अचानक से गश्ती दल को लाइट दिखाई दी, वाहन आता हुआ दिखाई दिया। तो इनके द्वारा जब उनकी ओर बढ़ा गया तो वहाँ पर ये जब पहुँचे तो वहाँ पर वाहन जो था उसमें कम से कम 15-16 लोग थे और उसमें लकड़ी भरी हुई पाई गई और उस गाड़ी को रोकने के जो प्रयास किया गया तो जो स्टाफ जो है जो चार आरोपी जो है वो झूमाझट की कर वहाँ से भागने में सफल हुए और उसके पश्चात हम लोगों द्वारा एक वापसी पर सर्च अभियान चलाया गया जिसमें हमारे द्वारा लगभग 8 आरोपियों को पकड़ा जा चुका है और बाकी की सर्चिंग अभी जारी है।